आज हम क्लास 11 की हिंदी बुक अंतरा का चैप्टर 8 जिसका शीर्षक है उसकी माँ इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं बेचैनी शर्मा उग्र। इस पाठ में जो नई पीढ़ी है वो देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास करती है और उनके साथ क्या क्या अत्याचार अन्याय होता है और एक माँ है जो बच्चों के प्रति किस तरह से अपना प्रेम का निर्वाह करती है इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्या लाल का विवाह सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी था? उसकी माँ, इस पाठ में लाल है वो एक क्रांतिकारी युवा है तो इसके व्यवहार के बारे में ये पूछा गया है कि क्या वो सरकार के विरुद्ध था या वो षड्यंत्रकारी था ये बता। उसकी माँ शीर्षक कहानी में स्पष्ट व्यंजित किया गया है कि लाल षड्यंत्रकारी न होकर सच्चा देशभक्त था। उस समय की अंग्रेज सरकार भले ही उसे अपना विरोधी और षड्यंत्रकारी मान रही थी, इसी से उस पर उसके साथियों पर सरकार ने मुकदमा चलाया और उसके विरुद्ध अनेक दोष प्रमाणित किए। उसी आधार पर लाल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब लेखक ने लाल से कहा था कि तुम सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले हो, तब लाल ने कहा कि देश से प्रेम करना, शासन की दुर्वस्था और प्रतंत्रता का विरोध करना, स्वतंत्र विचार व्यक्त करना षड्यंत्र नहीं कहा जा सकता। वह और उसके साथी अन्यायपूर्ण शासन का विरोध कर रहे थे। इससे यही प्रतीत होता है कि उसने षड्यंत्र किया नहीं था, वह सरकार के प्रति विद्रोह का भाव रखता था। यानी उसकी माँ शीर्षक जो कहानी है उसमें जो लाल है वो सच्चा देशभक्त है। वो अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए एक तरह के षड्यंत्र रचता है, लेकिन उसको अपन यूं नहीं कह सकते कि वो एक षड्यंत्रकारी है। वो अपने देश को आजाद कराना चाहता है। उसकी आजादी की भावना के कारण, आजादी की लड़ाई लड़ने के कारण अंग्रेजी सरकार है उसको फांसी की सजा सुनाती है। और जब लेखक है वो इस लाल से कहता है कि तुम षड्यंत्र कर रहे हो, तब वो उत्तर देता है कि देश से प्रेम करना, शासन की जो खराब व्यवस्था है, प्रतंत्रता है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये षड्यंत्र है? इसको षड्यंत्र नहीं कह सकते। वह उसके साथ न्यायपूर्ण शासन का सब विरोध कर रहे हैं, जिससे ये लगता है कि उसने षड्यंत्र नहीं किया बल्कि अपने देश को आजाद कराने के लिए उसने विद्रोह किया था। तो वो सरकार के प्रति विद्रोह करता है और अपने देश को आजाद करना चाहता है, तो उसको अपन सरकार के विरुद्ध षड्यंत्रकारी नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन, पूरी कहानी में जानकी न तो शासन तंत्र के समर्थन में है न विरोध में, किंतु लेखक ने उसे केंद्र में नहीं रखा बल्कि कहानी का शीर्षक बना दिया, क्यों? इस पूरे पाठ में जो माँ है वो ना तो शासन तंत्र के समर्थन में बोलती है और ना विरोध में बोलती है, लेकिन वो सिर्फ एक माँ है, तो उसे केंद्र में नहीं रखा गया बल्कि कहानी का शीर्षक बनाया, क्यों बनाया इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। जानकी किसी भी तंत्र का हिस्सा नहीं है, वह सिर्फ माँ है। माँ का संबंध शासन तंत्र और उसकी व्यवस्था से नहीं होता है, उसके लिए उसकी संतान महत्वपूर्ण होती है। वह राजनीति, शासन, आजादी बातों से अनजान होती है। उसमें वात्सल्य है, संतान के प्रति प्रेम है, संतान की शुभकामना है, संतान की शिक्षा का भाव है। ऐसे ही जानकी है। लेखक भी यहाँ पर शासन तंत्र को नहीं दर्शाता, वह क्रांतिकारी को नहीं दिखाना चाहता है, वह दिखाना चाहता है एक माँ के निस्वार्थ प्रेम को जो उसे सबसे अलग बना देता है। ये ऐसी भावना है जो बिना किसी तर्क वितर्क के मनुष्य को वरदान स्वरूप प्राप्त है। अतः ये कहानी लाल से आरंभ तो अवश्य होती है लेकिन घूमती उसकी माँ के चारों ओर है। यही कारण है कि लेखक ने उसे कहानी का शीर्षक बना दिया। यानी इस कहानी का जो शीर्षक है वो रखा है माँ। तो इसमें लेखक ने ये बताया है कि इसमें माँ का जो पुत्र होता है लाल, वो देश को आजाद कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन इसमें माँ का कोई रोल नहीं है। वो कहीं भी शासन तंत्र के समर्थन में है ना कहीं विरोध में है। वो क्या है, वो तो अपने पुत्र के प्रति शुभकामनाएं रखती है, उसकी सुरक्षा का भाव रखती है, उसको शासन तंत्र से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्रेम है वो दर्शाती है। तो ऐसी भावना है जो बिना तर्क वितर्क के मनुष्य को वरदान स्वरूप में प्राप्त है। तो ये जो कहानी है आरंभ तो लाल से होती है लेकिन उसकी माँ है उसके चारों ओर वो घूमते हैं,
कि माँ कैसे अपने लाल का ध्यान रखती है, कैसे उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, कैसे उनके दोस्तों का ध्यान रखती है, और अपने पुत्र के लिए वो अपना घर तक भेज देती है लेकिन उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। तो ये कहानी है वो माँ के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका शीर्षक है वो माँ दिया है। अगला क्वेश्चन, चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है किंतु वह डरता है, ये डर किस प्रकार का है और क्यों? यानी इसमें चाचा जानकी वो लाल के प्रति सहानुभूति रखता है परंतु वो डरता इसलिए है कि अगर मैं लाल की सहायता करूंगा या इसके प्रति सहानुभूति रखूंगा तो अंग्रेज जो है वो मेरे विरुद्ध में हो जाएंगे, वो पता नहीं मेरे साथ कैसा कैसा अन्याय करेंगे, इसलिए वो डर के मारे ऐसा नहीं करते। कहानी का पात्र चाचा जमींदार था। लाल का पिता रामनाथ मरने तक चाचा की जमींदारी का मुख्य मैनेजर था। उसने कुछ 1000 रुपये चाचा जी के पास जमा कर दिए थे जिनसे लाल और उसकी माँ का खर्च चलता था। रामनाथ से चाचा के इतने लंबे समय तक संबंध रहे, इसी कारण चाचा जानकी और लाल के प्रति सहानुभूति रखता था। चाचा यानी लेखक है वो लाल के प्रति सहानुभूति रखता है, क्यों? कि इसके पिताजी थे वो चाचा के जमींदारी मैनेजर थे, रुपये पैसों का हिसाब रखते थे और अपने बचत का पैसा भी वो इनके पास जमा करते थे। जब रामनाथ जी की मृत्यु हो जाती है तो जो उन्होंने पैसे चाचा के पास जमा किए थे उसी से इस लाल और उसकी माँ का खर्चा चलता था और वो लाल के प्रति सहानुभूति का व्यवहार भी रखते थे। जब पुलिस सुपरिटेंडेंट चाचा से लाल के बारे में पूछताछ करने आता है तो जाते हुए उसे चेतावनी दे जाता है कि वह लाल और उसके परिवार से दूर ही रहे। इससे वह डर जाता है कि कहीं उसे भी ब्रिटिश सरकार के गुस्से का सामना न करना पड़े। इसी डर से वह चाहते हुए भी लाल था उसके परिवार की कोई सहायता नहीं कर पाता। जब पुलिस वाला आकर के लेखक से यह कहता है कि भाई आप लाल उसके परिवार से दूर रहना क्योंकि लाल है वो सरकार के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो चाचा है वो सोचते हैं भाई मैं लाल का सहायता नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं लाल की सहायता करूंगा तो मुझे भी ब्रिटिश सरकार के कोप का भाजन होना पड़ेगा, तो इसलिए वह उनकी सहायता नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन, इस कहानी में 2 तरह की मानसिकताओं का संघर्ष है, एक का प्रतिनिधित्व लाल करता है और दूसरे का उसका चाचा, आपकी नजर में कौन सही है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। यानी इस कहानी में एक तो लाल है और एक लेखक, तो दोनों की मानसिकताओं का संघर्ष है, तो आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, अगर है तो उसका तर्क संगत उत्तर दो, यानी अपनी बात को तर्क सहित समझाना है। हमारी नजर में लाल सही है, इसके पीछे बहुत से कारण है। लाल देश के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने देश से प्रेम करता है, अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पालन करता है। गहराई में जाएं तो समझ में आता है कि देश के लिए आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, यदि सभी चाचा जैसे हो जाते तो देश अब तक गुलाम रहता, ऐसे हजारों लाल की कुर्बानी से ही हम आज़ाद देश में रह रहे हैं। अतः लाल की मानसिकता सबसे श्रेष्ठ है, वह अपने देश की आज़ादी के लिए किसी बात की परवाह नहीं करता, अपने प्राण तक देश की शुभ इच्छा में न्यौछावर कर देता है। यानी इसमें जो लाल है उसके हम पक्ष में हैं क्योंकि वह युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश को आज़ादी दिलाना चाहता है और देश को आज़ादी ऐसी नहीं मिलती। जब ऐसे कोई हजारों लाखों लाल अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं तब जाकर के अपना देश आज़ाद हुआ है और आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे हजारों लालों की जो कुर्बानियाँ हैं वो देश को आज़ाद कराने में ही सहायक हुई, तो लाल की मानसिकता सबसे श्रेष्ठ है और हम इसी के पक्ष में हैं। अगला क्वेश्चन, उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है? कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण कीजिए। यानी माँ जो कहानी है इसमें लाल के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ माँ नहीं है भारत माता है। अपन को बताना है कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं उस माँ में थी कि लाल के दोस्तों ने उनको भारत माता कहा। वे लड़के जानकी से शारीरिक रूप तथा स्वभाव के आधार पर उसे भारत माता कहते हैं। जानकी वृद्धा है, उसके बाल सफेद हैं, लड़के उसके सफेद बालों को हिमालय की संज्ञा देते हैं।
जानकी के माथे पर पड़ते बल में उन्हें नदियों का भान होता है, ठोड़ी के आकार को कन्याकुमारी और लहराते बालों को ब्रह्मा कहते हैं। यानी लाल की जो माँ थी वो वृद्ध थी, तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बाल सफेद हो जाते हैं, तो बूढ़ी माँ के सफेद बालों को उन लड़कों ने हिमालय कहा और उनके माथे पे जो लकीरें पड़ गई थी उनको कहा कि ये नदियां हैं, और ठोड़ी जो तिकोनी होती है उसको कन्याकुमारी, और जो बुढ़िया के बाल लहरा रहे थे बूढ़ी माँ के उनको ब्रह्मा की संज्ञा दी है। पाठ के आधार पर देखा जाए तो जानकी का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। जानकी सीधी सादी स्त्री है, उसे किसी पास से कोई सरोकार नहीं, बस उसे अपने बच्चों की चिंता है और वही उसके लिए सब कुछ है। यानी जानकी वो बिल्कुल सीधी सादी भोली वाली स्त्री है, उसको नहीं पता कि मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको तो चिंता अपने बच्चों की है कि ये सही सलामत रहे, इनको कुछ हो ना जाए। जानकी वात्सल्य से युक्त है, उसका प्रेम मात्र अपने बेटे लाल के लिए नहीं है, उसके मित्रों को भी वह अपने बच्चों के समान वात्सल्य लुटाती है। बच्चों की मृत्यु का समाचार पाकर स्वयं भी प्राण त्याग देती है। लाल की जो माँ है उसमें वात्सल्य बहुत ज्यादा है, वह न केवल अपने बेटे को बल्कि अपने बेटे के जो मित्र हैं उन सब बच्चों को सम्मान वात्सल्य लुटाती है। और जब उसको पता चलता है कि आज जेल में उनको फांसी की सजा होगी तो स्वयं भी वो प्राण त्याग देती है। जानकी त्याग में है, वह अपने बेटे तथा उसके मित्रों के भोजन पान की व्यवस्था के लिए अपनी सभी पूंजी प्रसन्नतापूर्वक खर्च कर देती है। जो माँ है वो अपने पुत्र और अपने पुत्र के दोस्तों के भोजन के लिए अपने जमा की सारी पूंजी को खर्च कर देती है, क्योंकि जब उनको सजा हो जाती है तो जेल में उनके लिए खाना ले जाती है, तो वो ये कहती है कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, और उसके ऊपर अपनी पूरी पूंजी वो खर्च कर देती है। जानकी स्वाभिमानी स्त्री है, वह किसी से भी सहायता नहीं मांगती है, अपने बच्चों के लिए स्वयं प्रयास करती है, किसी से भी दया की अपेक्षा नहीं रखती है, वह सब कुछ बेच देती है लेकिन उफ नहीं करती है। जानकी है वो स्वाभिमानी है, वह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए स्वयं प्रयास करती है, किसी से वो कोई अपेक्षा नहीं रखती है, और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए वो अपना सब कुछ बेच देती है और उफ तक नहीं करती। ऐसी है ये जानकी। अगला क्वेश्चन, विद्रोही की माँ से संबंध रखकर कौन अपने गर्दन मुसीबत में डालता, इस कथन के आधार पर उस शासन तंत्र और समाज व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी उसकी माँ जो कहानी है उसमें माँ का जो पुत्र है लाल उसको विद्रोही बना गया है, तो इसमें कहा है कि विद्रोही की माँ है उसे कोई संबंध ना रखे, अगर उससे कोई संबंध रखेगा तो खुद को भी मुसीबत में डालेगा, तो उसमें की जो शासन तंत्र व्यवस्था और समाज व्यवस्था है उसके बारे में बताना है। उस समय देश ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, उस समय का शासन तंत्र बहुत ही क्रूर तथा तानाशाही था, लोगों में उसका भय विद्यमान था, समाज भी उसके भय से आक्रांत था, सब डरते थे, शासन के डर से क्रांतिकारियों की सहायता करने वालों को मुसीबत को न्योता देने के सम्मान माना जाता था, शासन तंत्र को जिस पर संदेह होता था वह उसी को धर दबोचता था, उसका मानना था कि अपने विरुद्ध उठती आवाज को बंद करने में ही शासन की बेहतरी है। समाज भी ऐसा ही था जो अपने लिए सोचता था, उसकी सोच बस स्वार्थ में विद्यमान थी, समाज में एकता नहीं थी, सबको अपने से मतलब था, अतः लाल और उसकी माँ की कौन सहायता करता, इसे पता चलता है कि उस समय की शासन तंत्र तथा समाज व्यवस्था बेकार थी। इसमें बताया गया है कि जब लाल क्रांति के लिए खड़ा था, अपने देश को आजाद कराना चाहता था, तो वो जो ब्रिटिश सरकार है वो बहुत ही क्रूर थी, लोगों पे तरह तरह के अत्याचार करती थी, लेकिन कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था, सब डरते थे, सोचते थे कि पता नहीं अगर हम देश को आज़ाद करने के लिए आगे आएंगे तो हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ जाए, और जो कोई ब्रिटिश सरकार का विरोध करता तो सरकार आकर के उसी को दबोच लेती, यानी उसको पकड़ लेती, उनके विरुद्ध में किसी को आवाज नहीं उठाने देती, उन सब के मुंह को बंद करा दिया जाता था, तो सबको अपने से मतलब था, किसी से कोई मतलब नहीं कि देश आजाद हो या नहीं, वो अपने आप से में चुप बैठे रहते,
लेकिन लाल है वो ऐसा नहीं था। लाल और उसकी माँ की स्नेह में कौन सहायता करता है, क्योंकि सब अपने अपने मतलब में तक सीमित थे। तो इससे पता चलता है कि उस समय की जो शासन तंत्र है और समाज व्यवस्था वो बेकार थी। अगर बेकार नहीं होते तो लाल की सहायता करते, लाल की माँ की सहायता करते, तो अपना देश वो आजाद हो जाता। अगला क्वेश्चन, चाचा ने लाल का पेंसिल खचित नाम पुस्तक की छाती पर से क्यों मिटा डालना चाहा? यानी लेखक है, उसके पास एक किताब थी, उस पे लाल ने अपने हस्ताक्षर कर रखे थे। तो जब चाचा ने वो पुस्तक पढ़ी तो उसके ऊपर से उसका नाम मिटा दिया। तो उन्होंने क्यों मिटाया, इसके पीछे क्या कारण था? चाचा लाल का पेंसिल से पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा नाम इसलिए मिटा डालना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुलिस वाले तलाशी लेने आए तो उन्हें ये किताब नहीं मिल जाए। लाल ने देश के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया था। उसकी बूढ़ी माँ बेसहारा थी। लाल के नाम से उसका संबंध भी लाल तथा अन्य क्रांतिकारियों के साथ जोड़कर उसे भी ब्रिटिश सरकार का विरोधी जानकर दंड मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत माता की छवि या धारणा आपके मन में किस प्रकार की है? इसमें ये बताना है कि भारत माता किसको कहते हैं, भारत माता की छवि कैसी है, आपके मन में क्या क्या विचार है कि भारत माता कैसी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत माता की छवि या धारणा मेरे मन में सबसे श्यामल भूमि की है। भारत की नदियाँ, पहाड़, झरने, हरे भरे जंगल, खेत खलियान, बर्फ से ढकी चोटियाँ, धरती पर निवास करने वाले विभिन्न धर्म एवं जातियों के लोग, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, साहित्य, लोक जीवन, सभी कुछ भारत के ही अंग है। अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। इन सब को मिलाकर ही हमारी दृष्टि में भारत माता है। यानी भारत माता क्या है, तो इस बारे में ये विचार है कि जो सस्य श्यामल यानी हरी भरी भूमि है, इस भारत में अनेकों नदियाँ, पहाड़, झरने, हरे भरे जंगल, खेत खलियान और बर्फ से ढकी हुई जो चोटियाँ हैं वो, और विभिन्न प्रकार के धर्म है, जाति के लोग हैं, यहाँ भारत देश की सभ्यता और संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं, अपना साहित्य है, लोक जीवन है, ये सब कुछ भारत के ही अंग है। इन सब को देख करके लगता है कि हमारे भारत देश है उसमें अनेकता में एकता है। तो ये सब मिलाकर ही हमारी दृष्टि में भारत माता है, यानी इन सबको ही भारत माता की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, जानकी जैसी भारत माता हमारे बीच बनी रहे, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी जानकी जैसी भारत माता है वो हमारे बीच में बने रहे, तो इसको आधार बना के ये बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब अपन बेटी को बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे तो वो दो पीढ़ियों को तारती है। बेटी अपने पिता का नाम भी रोशन करती है और पति का नाम भी। तो बेटी को कोख में नहीं बहाना चाहिए, उसको पढ़ाना भी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षित कर सके, इसके बारे में विचार करना है। हमें बेटियों की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार और समाज शिक्षित हो सकेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। इसके द्वारा वे स्वावलंबी बन सकती है। जब बेटी को अपन पढ़ाएंगे तो स्वावलंबी बन सकती है, आत्मनिर्भर बन सकती है। एक बेटी है वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, मैनेजर बन सकती है। आज तो आसमान में उड़ रही है, अंतरिक्ष की सैर कर रही है, जिससे कल्पना चावला है अंतरिक्ष में सैर की थी, इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री बनी थी, और प्रतिमा पाटिल है वो अपने देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, इसे ये सीख लेना चाहिए कि जो बेटी है वो अगर शिक्षित होगी तो अपना पूरा समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो उसे अपना देश शिक्षित हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पुलिस वाले केवल डॉट डॉट धीरे धीरे गुलाना मिटाना है, ये अपनी पुस्तक में से लाइन ले गए, पहली लाइन ले ली और डॉट डॉट करके लास्ट की ले ली, तो इसका पूरे का अर्थ बताना है। ब्रिटिश सरकार को पुलिस भारतीयों के अच्छे घर के बच्चों को मात्र संदेह के आधार पर दंड देती थी, इसलिए इस प्रकार की अत्याचारी शासन प्रणाली को स्वीकार करना क्रांतिकारी देशभक्त अपने धर्म, कर्म, आत्मा और परमात्मा के विरुद्ध मानकर का विरोध करते थे। इसमें बताया गया है कि अच्छे परिवार से जो लोग थे उनको भी संदेह के आधार पर पुलिस वाले दंड देते थे,
उनको दंड देकर के ऐसे डराना चाहते थे कि कहीं ये देश को आजाद कराने के लिए आगे न आ जाए, तो उन पे अत्याचार करते थे। तो ऐसी जो शासन प्रणाली है वो बढ़िया नहीं थी। अपना देशभक्त अपने धर्म कर्म आत्मा और परमात्मा के विरुद्ध मानकर उनका विरोध करते थे। चाचा जी नष्ट हो जाना डो सहस्र भुजाओं की संख्या है। लाल इस बात को स्वीकार करता है कि अंग्रेजों को शक्ति को तुलना में भारत को स्वतंत्र कराने वालों की शक्ति बहुत कम है, पर वह देश को स्वतंत्र करवाने में जी जान से जुटा है। उसे विश्वास था कि जब कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय पूर्वक कार्य को संपन्न करने में जुट जाता है तो उसमें कार्य करने की अपार क्षमता आ जाती है। कर्म में लीन व्यक्ति को परमात्मा भी पूरी सहायता देते हैं। कर्मशील व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अकेला नहीं है अपितु भगवान के सहस्रों के हाथ भी उसकी सहायता कर रहे हैं। भाव यह है कि शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति भी निष्ठा और लगन से कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक कर लेता है। इसमें यह बताया है कि लाल ये स्वीकार करता है कि जो अंग्रेजों की शक्ति को तुलना में भारत को स्वतंत्र कराने वालों की शक्ति बहुत कम है, यानी अंग्रेज ज्यादा हैं, भारत वाले लोग कम हैं, लेकिन फिर भी वह अपने देश को आजाद कराने के लिए जी जान से जुट जाता है। उसको अपने आप पर पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है उसको कि जब मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो जिस कार्य में जुट जाता है उसको पूरा करके ही उद्यम लेता है। तो व्यक्ति को अपने कर्म में लीन रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपना कर्म करता है तो परमात्मा यानी ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं, और कर्मशील व्यक्ति को भगवान अपने हजारों सहस्र का मतलब होता है हजारों हाथों से उसकी सहायता करते हैं। तो इसका भाव यह है कि जो सारी दृष्टि से अगर व्यक्ति कमजोर है लेकिन उसमें निष्ठा है, लगन है और उससे वो कार्य करता है तो जीवन में उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। धन्यवाद।